दोस्तों आज हम विंडोज 11 के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने काम को और अधिक तेजी से कर पाएंगे। नंबर एक, यदि आप अपने कीबोर्ड पर विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस ओ दबाते हैं तो आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खुल जाता है। नंबर दो, यदि आप अपने कीबोर्ड पर विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो आपकी विंडोज लिसनिंग मोड में चली जाती है, फिर आप बोलकर किसी भी प्रोग्राम को खोल और बंद कर सकते हैं, जिसे ओपन नोटपैड, क्लोज नोटपैड, स्टॉप लिसनिंग आदि। नंबर तीन, यदि आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो विंडोज में स्निपिंग टूल खुल जाता है, फिर आप अपनी डिस्प्ले से कुछ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर या फिर फ्री फॉर्म इमेज। नंबर चार, यदि आप अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस कंट्रोल प्लस क्यू दबाते हैं तो आपकी विंडोज में क्विक असिस्टेंट खुल जाता है, जिसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर को रिमोटली किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम में आप किसी दूसरे पर्सन की सहायता ले सकते हैं और सहायता दे भी सकते हैं। नंबर पाँच, यदि आप अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस एक्स दबाते हैं तो आपकी विंडोज में कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल जाता है, जिसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट मेनू को क्विकली खोल सकते हैं, जैसे कि जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस एफ दबाते हैं तो आप डायरेक्टली एप्स एंड फीचर्स में चले जाते हैं, जहां से आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और एडवांस ऑप्शन में जाकर रिसेट, रिपेयर या टर्मिनेट कर सकते हैं। नंबर छह, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस ओ बटन दबाते हैं तो आप डायरेक्ट पावर ऑप्शन में चले जाते हैं, जहां से आप स्क्रीन टाइम और स्लीप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर सात, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस वी दबाते हैं तो आप डायरेक्ट इवेंट व्यूअर में चले जाते हैं, जहां से आप विंडो लॉग चेक कर सकते हैं और सिक्योरिटी और सेटअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वार्निंग्स और एरर्स देख सकते हैं। नंबर आठ, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस वाई दबाते हैं तो आप डायरेक्ट विंडोज के सिस्टम इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं, जहां से आप अपने सिस्टम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस नाम इत्यादि। नंबर नौ, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस एम दबाते हैं तो आप डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर खोल सकते हैं, जहां से आप अपने सिस्टम में डिस्प्ले, मॉनिटर, नेटवर्क एडाप्टर, साउंड, यूएसबी आदि के ड्राइवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 10, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू दबाते हैं तो आप डायरेक्ट नेटवर्क एंड इंटरनेट में आ जाते हैं, जहां से हम वाईफाई और ईथरनेट को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 11, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस के दबाते हैं तो आप डायरेक्ट डिस्क मैनेजमेंट में आ जाते हैं और यहां से हम अपने हार्ड डिस्क के ड्राइव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे किसी ड्राइव को श्रिंक करना, डिलीट करना आदि। नंबर 12, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस जी दबाते हैं तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ जाते हैं और यहां से आप सिस्टम टूल्स और स्टोरेज को कंट्रोल करने के अलावा विंडो की सर्विसेज को भी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कि विंडो की अपडेट को बंद करना इत्यादि। नंबर 13, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस आई दबाते हैं तो डायरेक्ट विंडोज की पावरशेल खुल जाती है और जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस ए दबाते हैं तो वही पावरशेल एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खुल जाती है। नंबर 14, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस टी दबाते हैं तो डायरेक्ट टास्क मैनेजर खुल जाता है। नंबर 15, जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस एन दबाते हैं तो सेटिंग खुल जाती है, जहां से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, विंडोज अपडेट्स और बहुत कुछ ऐप, अकाउंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसके अलावा जब आप विंडो प्लस ई दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है, जब आप विंडो प्लस एस दबाते हैं तो विंडो सर्च ओपन हो जाती है, जब आप विंडो प्लस आर दबाते हैं तो विंडो रन कमांड ओपन हो जाती है, जब आप विंडो प्लस डी दबाते हैं तो हम किसी भी विंडो पेज से डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, और विंडो प्लस एम दबाने से जो कुछ भी खुला हो सब कुछ मिनिमाइज हो जाता है। नंबर 16, जब आप अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस वी का बटन दबाते हैं तो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन हो जाती है और आप अपने द्वारा लास्ट कॉपी की गई आइटम्स को वहां देख सकते हैं, जैसे मैं अभी नोटपैड पर कुछ लिखकर कॉपी करता हूं तो मैंने जो पहले कॉपी किया था वो भी मुझे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में दिखाई देगा। नंबर 17, जब आप अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस एन का बटन दबाते हैं तो आपकी नोटिफिकेशन विंडोज खुल जाएगी, जैसे मेरे पास ट्यून ऑन वायरस प्रोटेक्शन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। नंबर 18, जब आप अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस एक्स प्लस यू प्लस आई का बटन दबाते हैं तो आपका विंडो अकाउंट साइन आउट हो जाता है। नंबर 19, जब आप अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस एक्स प्लस यू प्लस आर का बटन दबाते हैं तो आपकी विंडो रीस्टार्ट हो जाती है। नंबर 20, जब आप अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस एक्स प्लस यू प्लस एस का बटन दबाते हैं तो आपकी विंडो स्लीप मोड पर चली जाती है, और जब आप विंडो प्लस एक्स प्लस यू प्लस यू दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो मैंने आपको बताए। आगे भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सैंडी बुक टेक सिंप्लीफाइड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।